चलो नाउ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन चैप्टर में आज क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे. द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बिलो. अब इसमें एक्स की वैल्यूज दी हुई है, एक्स की वैल्यूज कैसी दी हुई है वो देखते हैं. हमें दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स प्लस टू, वेयर एक्स इक्वल्स टू एक्स की वैल्यूज दी हुई है माइनस टू, माइनस वन, ज़ीरो, वन एंड टू. ये एक्स की वैल्यूज हैं, ठीक है. नाउ पी एक्स, ऐसे तो प्रोबेबिलिटी दी हुई होनी चाहिए लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई है. प्रोबेबिलिटी कैसे दी हुई है आपको, तो यहाँ लिखा हुआ है पी एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स प्लस टू और x की वैल्यू है माइनस टू, माइनस वन, ज़ीरो वन टू. तो पहले x की वैल्यू मैं माइनस टू ले रहा हूँ, माइनस टू. सो x की वैल्यू माइनस टू रखेंगे, k इंटू माइनस टू, एक्स की जगह माइनस टू, प्लस टू. सो k इंटू ज़ीरो, ज़ीरो हो जाएगा. सो व्हेन x इक्वल्स टू माइनस टू प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू ज़ीरो. फिर दूसरी बार हम x की वैल्यू रखेंगे माइनस वन. सो p माइनस वन इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स की जगह माइनस वन प्लस टू. तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस टू मीन्स प्लस वन, प्लस वन इंटू k. तो ये हो जाएगा k. सो x की वैल्यू प्रोबेबिलिटी k. देन हम x की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे. सो प्रोबेबिलिटी इंटू ज़ीरो इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स की वैल्यू ज़ीरो प्लस टू. सो ज़ीरो प्लस टू टू, टू इंटू के टू के. तो ये हो गया यहाँ पर टू के. नाउ व्हेन एक्स इक्वल्स टू वन, सो के इंटू वन प्लस टू, थ्री के. तो यहाँ पर रखेंगे 3k. एंड व्हेन x इक्वल्स टू टू, सो k इंटू टू प्लस टू, 4k. वैसे क्या होता है कि आपको प्रोबेबिलिटी का वैल्यू दिया होता है, यहाँ प्रोबेबिलिटी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है. अब प्रोबेबिलिटी नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको ये पता है कि सिग्मा पी एक्स आई टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होता है, ठीक है. सो टोटल करो, इसका कितना हो रहा है टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10. सो 10 के इज इक्वल्स टू 1. सो के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10. अब अगर मुझे के की वैल्यू मिल गई तो मैं अब इस प्रोबेबिलिटी को नंबर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ. जैसे ये हो गया 0, ये के है मीन्स 1 अपॉन 10, 2 के मीन्स 2 अपॉन 10, 3 अपॉन 10 एंड 4 अपॉन 10, ठीक है. अब प्रोबेबिलिटी मिल गई, x मिल गया, हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट k. k का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया. एंड ऑब्टेन मीन एंड वेरियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. अब मीन एंड वेरियंस कैलकुलेट करना है. सो मीन क्या होता है, एक्सपेक्टेशन एक्स आई इंटू पी एक्स आई, एक्स आई इंटू पी एक्स आई करो. और हाँ, यहाँ पर जैसे ये वैल्यूज हमने ऐसी रखी है कि 1 अपॉन 10, इससे 1 अपॉन 10 को ही हम 0.10 भी लिख सकते हैं, के इक्वल्स टू 0.10, ठीक है. सो 0.10 रखोगे तो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा थोड़ा, के की जगह 0.10, 0.10 इंटू टू 0.20, 0.30, 0.40, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो आपका वही आने वाला है, ठीक है. चलो नाउ एक्स आई इंटू पी एक्स आई मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू इंटू ज़ीरो, ज़ीरो, माइनस वन इंटू 0.10, माइनस 0.10, ज़ीरो, 0.30, 0.80, तो एक्सपेक्टेशन हो गया 1. एक्सपेक्टेशन मीन्स ई एक्स, जिसे हम मीन कहते हैं, ठीक है. सो मीन क्या हो जाएगा,
मीन इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन, जिसे हम लिखते हैं सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई। एक्स आई और पी एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है, सो टोटल ऑफ एक्स आई इंटू पी एक्स आई 1 हो गया, ये हो गया इनका मीन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वेरियंस कैलकुलेट करना है। सो वेरियंस में क्या करना होता है, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, एंड देन वेरियंस की फॉर्मूला में वैल्यू रखोगे। चलो नोट डाउन कर लो इतना। चलो नाउ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई करो। एक्स आई इंटू पी एक्स आई इंटू एक्स आई, सो माइनस टू इंटू जीरो जीरो प्लस पॉइंट टेन जीरो पॉइंट थर्टी
1.60. क्या आंसर आ रहा है? 2. ठीक है. सो वेरियांस का फॉर्मूला क्या है? वेरियांस ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर. सो ई एक्स स्क्वायर 2, ई एक्स होल स्क्वायर एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर 1 का स्क्वायर. सो 2 माइनस 1, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1. ठीक है. सो ये है इसका वेरियंस. क्वेश्चन नंबर 20. देर आर 4 ब्लैक एंड 2 व्हाइट बॉल्स. देर आर 4 ब्लैक एंड 2 व्हाइट बॉल्स इन अ बॉक्स एंड 2 बॉल्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम इट. If a person receives rupees 4 for each white ball and loses rupees 2 for each black ball, find the mathematical expectation of the amount received by him. Okay, अब expectation क्या होगी? तो ये amount received by him, तो received कितने पर हो रहा है उसे? कौन से ball पर receive हो रहा है? White. तो यहां पर हम लिखेंगे एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाइट बॉल्स. ठीक है. नाउ कितने बॉल्स उसे निकालने हैं? कितने बॉल्स निकालने? 2. तो व्हाइट बॉल का एक्सपेक्टेशन क्या होगा? हो सकता है 0 व्हाइट बॉल आए, यानी दोनों के दोनों ब्लैक हो जाएं. हो सकता है 1 व्हाइट बॉल हो, और यह भी हो सकता है कि दोनों व्हाइट बॉल हो. ये एक्सपेक्टेशन है, इससे ज़्यादा और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी. ठीक है, क्लियर है इतना? नाउ नेक्स्ट. अब एक्सपेक्टेशन तो हो गई, अब यहाँ पर एक्स आई क्या होगा? मीन्स रुपीस क्या होंगे, मुझे ये बताओ. रुपीस सपोज करो दोनों व्हाइट बॉल, दोनों में से कोई भी व्हाइट बॉल नहीं है, 0 व्हाइट बॉल है, तो दोनों कितने, कौन से निकले होंगे? ब्लैक. ब्लैक पे उसे कितना लॉस हो रहा है? -2 पर बॉल, यानी 2 बॉल्स ब्लैक निकले होंगे. एक व्हाइट निकला, तो एक व्हाइट पर उसे कितना मिल रहा है? 4. तो एक ब्लैक निकला होगा, उस पर उसने कितना लॉस किया होगा? 2. तो बाकी प्रॉफिट कितना हुआ? 2. दोनों व्हाइट बॉल निकल गए तो प्रॉफिट कितना होगा? 8. नाउ हम आते हैं प्रोबेबिलिटी PXI. नाउ 2 बॉल्स निकाल दें, 0 वाइट है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दोनों ब्लैक निकले, 4C2, दोनों ब्लैक निकले, 2C0 डिवाइड बाय 6C2. क्लियर है? नाउ एक वाइट निकला, एक ब्लैक निकला, 4C1 इंटू 2C1 डिवाइड बाय 6C2, एंड दोनों के दोनों वाइट बॉल निकले,
4c0, 2c2, 6c2, ठीक है। चलो 4c2 6 इंटू 1 डिवाइड बाय 15, सो ये हो गया 6/15। 4c1 4, 2c1 2 डिवाइड बाय 6c2 15, 8/15। नाउ 4c0 1, 2c2 1 डिवाइड बाय 15, तो ये हो गया 1/15। सो टोटल वैल्यू क्या आ गई इसकी, 1 आ गई, 15/15 प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है। क्या ढूंढना है हमें इसमें, हाँ एक्सपेक्टेशन ढूंढनी है। सो एक्सपेक्टेशन में हमें क्या करना है, एक्स आई इंटू पी एक्स आई, ठीक है। एक्स आई -4 × 6 -24/15, 2 × 8 16/15, एंड 8 × 1 टोटल क्या होगा, 24 प्लस के हैं, 8 + 16 24 प्लस के, 24 माइनस के, सो 0/15 आंसर आया 0, एक्सपेक्टेशन 0। देखो है आंसर, सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई 0, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 17. टू टिकट्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम फाइव टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 5. 1 to 5 में से 2 टिकट्स लेनी है. इट मीन्स 1, 2, 3, 4 एंड 5. ऐसे 5 टिकट्स हैं और उनमें से 2 टिकट्स लेनी है. फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सम ऑब्टेंड ऑन द 2 टिकट. टोटल कितना होगा 2 टिकट्स पर, उसका एक्सपेक्टेशन. सपोज करो वो जो 2 टिकट्स आ रही है ना, वो 1 और 2 आ रही है, एक ही ऑप्शन है. अगर 1 और 2 आई तो टोटल कितना होगा, 3. ये है टोटल और ये है एक्सपेक्टेशन. वन टू, देन 1 और 3 आ सकती, 1, 3, देन 1, 4, 1, 5. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन हो सकती है. दूसरा 2, 3, 2, 4 एंड 2, 5. 2, 3, 2, 4, 2, 5. देन 3, 4, 3, 5 ये हो सकता है. 3, 4, 3, 5, देन 4, 5 ये पूरी की पूरी एक्सपेक्टेशन हो सकती है. ठीक है, टोटल क्या होगा, इन दोनों का 3, इनका 4, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 9 ये इनका टोटल हो सकता है. प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PXI बताओ क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी. देखो यहाँ पर 1 है, 1 कितने हैं, 1 ही है, 1 सिलेक्ट हो गया, 1C1 इंटू 1C1. हाँ, 1C1 कुछ भी नहीं लिख. ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट किया है हमने, 1 और 2 को सिलेक्ट किया है, 3, 4, 5 सिलेक्ट नहीं हुए, तो क्या होगा, 1C0 इंटू 1C0 अपॉन 5C2. सो डोंट, हाँ नहीं लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, सो 1C1 क्या होगा, 1 एंड 5C2 10. तो क्या होगा आंसर, 0.10. सब में सेम ही आएगा, यस सब में सेम ही होगा. तो सब में सेम होगा तो ये भी 0.10, 3. देखो चलो इसका ले लेते हैं. ठीक है, तो 4 कितने, 1. 5 कितने, 1. तो ये दोनों सेलेक्ट किए, तो ये तीनों सेलेक्ट नहीं किए, तो ये तीनों सेलेक्ट नहीं किए, तो ये हो गया 1C0 इंटू 1C0 इंटू 1C0 इंटू 1C1 इंटू 1C1 सेम है ना, अपॉन 5C2. तो जहां सेलेक्ट किया वहां 1C1 लिखेंगे, जो सेलेक्ट नहीं किया वो 1C0 लिखेंगे. 3 बार 0 आएगा, 2 बार 1C1 आएगा, तो आंसर तो वो ही आएगा ना. आए समझ में, तो आंसर क्या हो गया, 1 हो गया. नाउ ये हमने प्रोबेबिलिटी देख ली. सो नाउ XI इंटू PXI, XI और PXI को मल्टीप्लाई करना है, एक्सपेक्टेशन ढूंढनी है हमें. सो XI इंटू PXI, जो इनका टोटल है वो XI है, सम इनका ये जो है ये XI है. चलो XI इंटू PXI करो, बताओ क्या होगा, 3 इंटू 0.10, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.50, 0.60, 0.70,
0.70, 0.80 and 0.90. टोटल करो। ओके, सो एक्सपेक्टेशन सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई, सो दैट इज 6 रुपीज। ठीक है, सो ये चैप्टर आपका पूरा हुआ यहाँ पर। हाँ, ये चैप्टर यहाँ पूरा हुआ। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे।